मैं जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बता चुका था कि मैं गौरव ठाकुर जो हमने वीडियो बनाई थी उस पर पार्ट टू लेके आऊंगा, और अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 11:10, रात के 11 बज चुके हैं। मैं अभी शूट कर रहा हूँ, उसके बाद एडिट करूँगा, देन आपको कल सुबह ये पार्ट टू देखने को मिलेगा। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हो। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम उनके जैसे और एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। पार्ट वन में हमने काफ़ी कुछ कवर किया था, पार्ट टू में हम उससे और ज़्यादा कवर करने वाले हैं। सो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। Had the editor in the house, let me break it down. Teaching video editing, we gon' run this town. With a keyboard and a mouse, we create some magic. Cutting scenes and adding effects, it's automatic. ठीक है गाइस, तो ये वाली वीडियो हमने पार्ट वन में मैंने कवर कर रखा है, ठीक है, आगे का 18 नवंबर 2023 को योगी यहाँ तक हमने कवर किया था अभी, कि पहले पार्ट वन में हमने यहाँ तक कवर किया है। देन इसमें हमारे पास जो एनिमेशन सबसे पहले देखने को मिली वो यहाँ पे, ये यहाँ पे ब्लैक ये आता है यहाँ पे बार, तो अपने मैं आफ्टर इफेक्ट में आ चुका हूँ। यहाँ से न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे 1920 और 1080 की मैं कंपोजिशन क्रिएट करूँगा, ठीक है, और ओके करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी एक कंपोजिशन क्रिएट की है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाला जो नेम यहाँ पे आया, ये एनिमेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दोबारा से मैं प्ले करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव ठाकुर और 18 नवंबर 2023 को योगी जी ने, ठीक है, तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को कवर करते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे ले आता हूँ फिलहाल के लिए ये, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बैकग्राउंड यूज किया है। और हम सेम चीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये जहाँ पे जो शेप आया और ऊपर से नेम आया, तो ये चीज हम कैसे एनिमेट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे पेन टूल में और यहाँ पे कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है, ठीक है। पहला यहाँ पे डॉट करना है, देन अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हो और दोबारा आप इधर प्रेस करते हो तो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, फिल को कर दूंगा यहाँ से ऑफ, ठीक है, फिल को मैं ऑफ कर दूंगा और यहाँ का स्ट्रोक ऑन कर दूंगा, इसको ब्लैक कलर दे दूंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ऑन किया तो यहाँ पे आपको ये लाइन देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे हम 9px है, इसको अगर बढ़ाता हूँ तो हमारा जो ये शेप है इसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो सेम साइज का हमने ले लिया और सेम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। बाकी इसको आप मूव कर सकते हो, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे पी प्रेस करूंगा, पोजिशन पे जाऊंगा और इसको मूव कर सकते हो आप इजिली। अब यहाँ पे ये चीज तो हो गया, बट इसको एनिमेट कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे कि यहाँ पे ऐड पे जाएंगे, ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे ट्रिम पाथ लेंगे, ठीक है। ट्रिम पाथ यहाँ पे शेप वन के अंदर ऐड हो चुका है। अब ट्रिम पाथ के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एंड पे आएंगे, ठीक है। फर्स्ट फ्रेम पे अभी मैं, ये चीज ध्यान रखना कि मैं अभी फर्स्ट फ्रेम पे हूँ, ठीक है, और एंड पे हम इसको जीरो कर देंगे, जीरो किया और की फ्रेम ऑन कर देंगे, यहाँ पे ये गायब हो चुका है, ठीक है। और 2 सेकंड पे जाएंगे जहां तक आपको ये एनिमेशन चाहिए और इसको कर देंगे आप सिंपल 100। जैसे आपने 100 किया तो यहाँ पे भी की लग जाएगी, तो हमारी कुछ इस टाइप से ये एनिमेशन हुई है। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे आप, मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ स्मूथ एनिमेशन हमारी बन जाएगी। और अब इनको अगर मैं और क्लोज लाऊं थोड़ा सा और इन दोनों को सेलेक्ट करो और ग्राफ एडिटर ऑन करो और यहाँ से मेक श्योर कि आपका एडिट स्पीड ग्राफ में ही हो, ठीक है। इन दोनों को फिर मैं नीचे से सेलेक्ट करूंगा और इसको कुछ इस टाइप से ड्रैग करूंगा, तो ये परफेक्ट कुछ इस टाइप से हमारा ये एनिमेशन बन चुकी है, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अब ऊपर से हमारा ये नाम, ये चीज हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, मैं यहाँ पे ऊपर नाम ऐड करूंगा, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे नाम ऐड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे जाता हूँ, टी, ठीक है, टी से टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं नेम करूंगा जैसे कि PHADI पहाड़ी एडिटर। अभी हमें ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लैक ही है, तो मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, यहाँ से कलर चेंज किया व्हाइट। अभी आपको इजीली विजिबल हो जाएगा कि मेरा ये क्या लिखा है, ठीक है, पहाड़ी एडिटर लिखा है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा यहाँ से और इसको कोई एक नॉर्मल सा फॉन्ट दे देता हूँ, और मैं दे देता हूँ इसको द बोल्ड फॉन्ट, और ये काफ़ी अच्छा फॉन्ट है और कहीं ना कहीं मेरा भी फेवरेट है। और इसको मैं थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारी ये चीज़ आ गया, लेकिन हमारा कुछ इस टाइप से हुआ कि ये एनिमेशन नहीं है इस चीज़ में, जबकि आपको यहाँ पे एक एनिमेशन देखने को मिली थी।
ठीक है, तो हमारी यहाँ पे एनिमेशन नहीं है, तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ गाइस, इसकी अगर आपको आफ्टर इफेक्ट में, जैसे कि आपने देखा होगा कि आफ्टर इफेक्ट में हमारे पास जो इफेक्ट्स होते हैं ना यार, एनिमेशन प्रीसेट, और उसके बाद अगर आप यहाँ टेक्स्ट पे जाओगे तो हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट हैं, इतने सारे कि शायद ही किसी ने ये सारे इफेक्ट यूज़ कर रखे हो या सबका इसको नॉलेज हो कि कौन कैसा है। हमें ज़्यादातर हम इनको ज़्यादातर इसलिए भी यूज़ नहीं करते कि कौन इनको बार बार ट्राई करे, अप्लाई करे, ठीक है, अप्लाई करने के बाद फिर कौन इनको ट्राई करे, फिर अगर कंट्रोल जेड करे, फिर दूसरा अप्लाई करे, फिर कंट्रोल जेड करे, तीसरा अप्लाई करे, तो ये हमारे पास कम से कम 10 से 15 सेट है, और 10 से 15 सेट के अलग अलग उनके भी अंदर और प्री सेट है, मतलब और है, तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि अगर हमें अच्छा भी लग जाए कोई तो कल हम भूल जाते हैं कि यार क्या था। तो इन सब चीज़ को हम एक चीज़ में सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये टेक्स्ट जो एनिमेशन है ना, ये आपको कैसे याद रखनी है सबसे बेस्ट। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन सब में ना कोई भी एनिमेशन अगर आपको पता करनी है कि कौन सी एनिमेशन है और कौन सी कैसी है, इसके लिए आपको क्या करना है कि गूगल पे आना है और गूगल पे सर्च करना है आफ्टर इफेक्ट टेक्स्ट प्रीव्यूज, ठीक है। अब जैसे आप ये आफ्टर इफेक्ट टेक्स्ट प्रीव्यू सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको मोशन आइसलैंड ब्लॉग की एक वेबसाइट मिलेगी, ठीक है। ये वाली वेबसाइट जैसे आप क्लिक करोगे, थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको इनके प्रीव्यूज देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जितने भी हमारे पास वहाँ पे एनिमेशन है टेक्स्ट रिलेटेड, ठीक है, वो सारी एनिमेशन आपको यहाँ पे इनके प्रीव्यू देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, अब उसके बाद एनिमेट इन के प्रीव्यू आपको ये देखने को मिलेंगे। ये एनिमेट इन क्या है देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप जाओगे पहाड़ी एडिटर पर गया और यहाँ पे सिंपल क्या करना है आपको, एनिमेशन प्रीसेट पे जाना है, ठीक है, पहाड़ी एडिटर पे सेलेक्ट होना चाहिए, एनिमेशन प्रीसेट पे जाओगे, इसके बाद आपको जाना है टेक्स्ट के अंदर, ये टेक्स्ट है इसके अंदर जाना है, इसके अंदर ये है 3D टेक्स्ट, इसके अंदर जो भी 3D टेक्स्ट के एनिमेशन है वो ये है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके एनिमेट इन के है, एनिमेट आउट के है, तो वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं यार, इनको आप इनके प्रीव्यू देख सकते हो, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो वाला सीधा आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो विद नेम के साथ, यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर सपोज करो मेरे को ये वाला सर्च करना है, मैं फेड आउट बाय करेक्टर सर्च करूँगा, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इनमें से ही कोई एनिमेशन उन्होंने यूज़ कर रखी है, मेरे को ये नहीं पता कि कौन सी एग्जैक्ट वो कौन सी एनिमेशन है जो उन्होंने यूज़ कर रखी है, तो जहाँ तक मिलता जुलता है तो ये फ्लाई इन विद ए ट्विस्ट है, ठीक है। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इफेक्ट कंट्रोल में फ्लाई इन, ठीक है, फ्लाई इन विद ए ट्विस्ट है, ठीक है, यहाँ पे है फ्लाई इन विद ए ट्विस्ट। तो यहाँ पे ये वाली इफेक्ट हमारे पास आ चुका है, ये एनिमेट इन के अंदर है, ये एनिमेशन है, इसको मैं ड्रैग करूँगा पहाड़ी एडिटर के अंदर, किसके अंदर करूँगा ड्रैग, पहाड़ी एडिटर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ी एडिटर के अंदर मैंने इसको ड्रैग किया, ठीक है, फ्लाई इन विद ए ट्विस्ट को मैं पहाड़ी एडिटर के अंदर जैसे ड्रैग करूँगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे यू प्रेस कर देना है। अब मैंने यू प्रेस किया तो इसकी जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे इनकी की फ्रेम लगी है इस इफेक्ट में, वो इफेक्ट यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे, ठीक है। देखो ये एनिमेशन लग गई, अब इसको यहाँ से ये ब्लैंक है आगे से, ठीक है, और उसके बाद ये मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ ये, बट ये बहुत स्लो है, ये यहाँ से लेके स्टार्ट होगी और यहाँ पे ख़त्म होगी। आपको अगर फास्ट करना है तो आप इनको क्लोज ला सकते हो ये, और अगर दोनों को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करोगे तो ये एक स्मूथ एनिमेशन में आ जाएगा पहाड़ी एक्टर, ठीक है। स्टार्टिंग में भी ला सकते हो आप जैसे जैसे ये आ रही, ठीक है, सेलेक्ट करके और इनको स्टार्टिंग में ले आऊँ ये। बट जो यहाँ पे क्या हुआ कि ये नीचे वाला जो हमारा ये चीज़ था सेप लेयर, इसकी एनिमेशन जा चुकी है, और वो क्यों गई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको शायद इस साइड ड्रैग कर दिया था इसलिए उसकी वो एनिमेट नहीं हो रहा था। तो ये है कुछ, ठीक है, तो ये चीज़ हमने कवर कर दिया है। अब हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यार टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये यहाँ पे पीछे ड्रैग हुआ, इस पर वही पोजिशन दिया है, उसके बाद इसको ड्रॉप शैडो दिया है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये ड्रॉप साइड इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ Muslims है की सब। और फिर यहाँ पे एक एनिमेशन होती है ये वाली, इम्पोर्टेंट, ठीक है, पहले पहली वाली जो एनिमेशन, और 18 नवंबर 2023 को ये वाली योगी जी ने यूपी में मुस्लिम्स की सबसे, तो ये चीज कैसे हुआ, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये आप कैसे कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट में आए वापस, और
क्या करना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो चीज़ आप क्लियर समझ चुके हो। और अब क्या करना है हमें कि ये हमें कवर करना है कि ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे हम जाएंगे मास्क पे और यहाँ पे हम जाएंगे सेव पे, ठीक है, सेव पे जाएंगे और यहाँ पे जितना आपको ये दिखाना है, एक सेकंड में इसका जो स्ट्रोक है वो ऑफ कर देता हूँ और इसके फिल को ऑन करेंगे, ठीक है। ये अब यहाँ पे जैसा कि इन्होंने इतना एरिया पे दिखाया है, ठीक है, आपको जितना भी एरिया आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करोगे, मेरे को इतना चाहिए या फिर इतना चाहिए, ठीक है, जितना भी सेप आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब मैंने ये सेप वन सेलेक्ट किया, इसको मैं स्केल पे जाऊंगा और सिंपली क्या करूंगा, इससे पहले एस पे जाने से पहले इसका जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल के साथ इसको डबल प्रेस करोगे तो आपको जो एंकर पॉइंट है वो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब सेंटर में आ गया, अब आप सेप लेयर पे एस प्रेस करोगे यानी कि स्केल, और स्टार्टिंग पे स्केल पे की फ्रेम ऑन कर दोगे तो इसको जीरो कर दोगे, ठीक है, देन आप कुछ फ्रेम आ गया होगे और इसको यहाँ पे 100 कर दोगे, तो कुछ इस टाइप से ये एनिमेशन बनी है। दोनों को सेलेक्ट करके F9 करोगे तो ये कुछ इस टाइप की एनिमेशन बनी है, ठीक है। बैकग्राउंड में यार ये चेंज हो रहा है तो पता नहीं कैसी एनिमेशन आपको देखने को मिल रही होगी। ये अगर ब्लैक की स्क्रीन पे देखेंगे तो ये एनिमेशन है हमारी, और मैं इसको अगर सेंटर में ले आता हूँ थोड़ा सा जिससे कि आपको और अच्छे से ये दिखाई दे, और अगर मैं वापस से एस प्रेस करूँगा, पोजिशन पर हमारी की फ्रेम नहीं है, उन्हें सिर्फ उस पर है, ठीक है। ये अब इसको मैं क्या करूँगा, दोनों को सेलेक्ट करूँगा वापस से अपने सिलेक्शन में जाके, दोनों को सेलेक्ट करूँगा की फ्रेम को, और ग्राफ एडिटर पे जाके इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और इसको इस साइड को ड्रैग कर दूँगा, ये ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे भी देखने को मिला था। और ये जो कलर है ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या किया कि यहाँ पे गूगल से उठा के ये कलर डाउनलोड कर लिया था। कलर कैसे डाउनलोड किया था वो मैं कैसे बताऊँ, उसके लिए मैंने क्या किया था कि यहाँ पे स्नैप किया था सिर्फ इतना, और इसको उस स्नैप को गूगल पे सर्च किया था तो उससे रिलेटेड मेरे को ये सेम चीज़ मिल गया था, तो वो ऐसे आप भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा ये चीज़। और अब हम क्या करेंगे, ये सेप हमने सिर्फ अभी तैयार किया है, उसके बाद आपको जो इमेज नीचे लगानी है तो वो इमेज मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि एटलीस्ट उसके बराबर में जितना भी हमें वो चीज़ यूज़ करनी है उससे वो चीज़ बड़ा होना चाहिए, वो कवर करना है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इधर उधर कवर नहीं करना है, उसी के ऊपर कवर करना है, ठीक है। बस इसमें एनिमेशन नहीं है अभी, ठीक है, जैसे कि ये ऊपर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो हमारी वापस आऊंगा, तो ये एनिमेशन है, ये अभी मैंने सिर्फ एक इमेज यहाँ पे अपलोड की है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ट्रैकमेट कर दूंगा सेप लेयर से, जैसे मैंने सेप लेयर से ट्रैकमेट किया बूम, ठीक है, आपको ये एनिमेशन तैयार है जो यहाँ पे आपको देखने को मिली थी, ठीक है। 18 नवंबर 2023 को योगी जी ने यूपी में मुस्लिम्स की सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, सेम हमारी भी है, इसको अगर थोड़ा सा आप इधर कर दोगे तो वो परफेक्ट है, ठीक है। बाकी इसके अगर कॉर्नर अगर आपको थोड़े से इस यहाँ पे जो आपको एजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे इनके कॉर्नर जो है इनको आप राउंडनेस कैसे कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो सेप लेयर में जाके, और उसके अंदर आप जाओगे कॉन्टेंट्स में, रेक्टेंगल वन के अंदर जाओगे आप और रेक्टेंगल पाथ के अंदर जाओगे और यहाँ पे आपको राउंडनेस देखने को मिलेगा। अगर आप ये राउंडनेस बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसकी राउंडनेस बढ़ चुकी है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब वो एक कांटेदार धारीदार वाले कॉर्नर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद हमारी ये वाली एनिमेशन आती है गोल वाली, ठीक है, अंदर से वो भी एनिमेट होता है। 18 नवंबर 2023 को योगी जी ने यूपी में मुस्लिम्स की सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो चीज भी सेम हुआ है कि यहाँ पे इसने एक इलिप्स लिया है, ठीक है, इस टाइप से, और उसको भी आपको सेम एनिमेट करना है जैसे कि हमने ये सेप ये वाला किया था, उसके नीचे हमें कुछ और ऐड करना है और उसको ट्रैक कर देना है उस चीज से, वो भी सेम हो जाएगा, ठीक है। इलिप्स वाला भी आप सेम कर सकते हो तो बताने की जरूरत नहीं आई होप। उसके बाद ये वाला आर्टिकल नीचे से आया और यहाँ पे ये आया, ठीक है, ये हाईलाइट हो रहा है, तो ये हाईलाइट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि कैसा आपको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए मेरे को एक आर्टिकल की जरूरत होगी और आर्टिकल मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे पास आर्टिकल है या नहीं है। मेरे पास आर्टिकल तो भाई नहीं है फिलहाल, जहाँ तक मुझे लग रहा है,
तो मेरे पास कोई आर्टिकल अभी है नहीं, गूगल से मैं उठा लेता हूँ एक आर्टिकल, ठीक है जल्दी से। तो अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हो, अगर आपको अभी भी वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो देख रहे हो, तो 90% वही है कि अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपको एडिटिंग से रिलेटेड या फिर वीडियो एडिटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। और अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ, ठीक है। तो वापस हमें एक आर्टिकल डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यूज़ आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई रैंडम आर्टिकल ले लेता हूँ, सपोज करो मैं ये वाला आर्टिकल ले लेता हूँ, कौन सा, ये वाला, और इसको ओपन नहीं यार, ये वाला नहीं लेते हैं, ये वाला ले लेते, थोड़ा सा ओल्ड टाइप में भी है, फील देगा, है ना। ओपन इन न्यू टैब, और इसको मैं सेव करूँगा JPG में, ये मुझे लगा यार कहीं उसमें होगा। ड्रैग करते हैं वापस अपने आफ्टर इफेक्ट में, और इन दोनों को बोलते हैं बाय बाय, और यहाँ से मैं इसको बढ़ा देता हूँ ना इतना। अब यहाँ पे क्या किया इसने कि हाईलाइट किया है ना, ये चीज़ हम कैसे हाईलाइट करेंगे, ये ब्लैक है इसलिए इसने वाइट हाईलाइट किया। हम ऑलरेडी हमारा ये कलर है तो हम इसको येलो हाईलाइट करने वाले हैं, ठीक है। कौन सा कलर, येलो कलर। अब हम हाईलाइट करेंगे ये चीज़, ये लाइन, ठीक है। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ यार, यहाँ पे सेप लेयर पे आना है और जूम करके बताता हूँ। ये चीज़ अगर मेरे को हाईलाइट करनी है ना भाई, तो यहाँ पे आऊँगा और उसके बाद मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे नॉर्मल मोड इसको चेंज कर देना है। मोड अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे गायब हो चुका हो, क्यों गायब हुआ, क्योंकि वाइट था। अगर मैं ठीक उसका कलर चेंज कर दूँ, येलो कर दूँ, तो आपको देखो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको ब्लू कर दूँ तो ये हाईलाइट हो गया, अगर मैं इसको रेड कर दूँ तो ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। येलो कर देता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स यही करते हैं, और ये हाईलाइट हो गया। अब इसमें आप इसको एनिमेट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एनिमेट कैसे होगा, फिर हाईलाइट तो हो गया बट एनिमेट कैसे होगा। सिंपल क्या करना है यार, एनिमेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आपको सिंपल हाईलाइट करना है तो आप सेप लेयर से कर सकते हो, तो वो एक हाईलाइट हो जाएगा। बट आपको एनिमेशन यानी कि एनिमेट होते हुए हाइट करना है, यानी कि इधर से इधर, ये जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है लाइन बाय लाइन, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा और पेन टूल से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे शिफ्ट के साथ दबाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा यहाँ पे, और फिल को कर देना होगा आपको ऑफ, और स्ट्रोक को बढ़ा के यहाँ पे रेड कलर, जो भी कलर आपको करना है वो कलर आप कर दोगे, येलो में कर दूंगा। और मोड पे जाके आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके इसका जो स्ट्रोक है वो कम कर दो, जितना आपको चाहिए सिर्फ उतना रखो, ठीक है। इतना मैंने रख दिया है, और बाकी इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, बाकी इसको आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से जितना भी आपको चाहिए। क्या हो रहा है यार, और इसको इधर को कर दो थोड़ा सा। अब इसको एनिमेट कैसे करेंगे, सिंपल है, ऐड पे जाओ, सेप लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, ऐड पे जाओ और ट्रिम पाथ ऐड कर दो, और वही वाली प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। एंड पे आओ, जीरो कर दो, की फ्रेम ऑन कर दो, देन कुछ फ्रेम आगे जाओ जहां तक आपको करना है, और इसको 100 कर दो। तो ये कुछ इस टाइप से हो गया, ठीक है। बाकी दोनों को सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर दो, और ये थोड़ा सा हमारे जो न्यूज़पेपर है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, जिससे कि हमें पिक्सल क्लियर नहीं दिखाई दे रहे, बट लॉजिक समझ में आ चुका होगा, इतना मैं श्योर हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।